हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेशर। द टॉपिक इज स्कैन एल्गोरिदम इन डिस्क शेड्यूलिंग। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी डिस्क में 200 ट्रैक्स दिए हुए हैं 0 to 199 एंड रिक्वेस्ट क्यू है मेरे पास। दीज आर द रिक्वेस्ट विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द क्यू। करंट पोजीशन जो है वो 50 से है। अब मैं यहाँ पे एल्गोरिदम यूज कर रहा हूँ स्कैन। तो स्कैन एल्गोरिदम कैसे काम करता है, लेट स्टार्ट विद द, यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले है 50, दैट इज द करंट पोजीशन ऑफ द रीड राइट हेड। अब स्कैन एल्गोरिदम जो है वो एलिवेटर एल्गोरिदम भी बोलते हैं इसको, जहां पे एक डायरेक्शन में हमें मूव करना है और उस डायरेक्शन के बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक हमें मूव करना है। मतलब कहने का कि यहाँ पे अगर मेरे को डायरेक्शन इस क्वेश्चन में, आई थिंक मैं लिखना भूल गया, डायरेक्शन आप ले सकते हो, लेट से डायरेक्शन टुवर्ड्स द लार्जर वैल्यू। आपको ऐसे दिया होगा कि लेट से डायरेक्शन जो है वो आपको लार्जर वैल्यू, मतलब 50 पे है, 50 से लार्जर वैल्यू की तरफ मूव करना है। तो 50 से अगर लार्जर वैल्यू की तरफ मूव किया तो सबसे पहली वैल्यू क्या आई, 82। तो मैंने 82 को कवर किया। 82 के बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट कौन सी आई, 140 के बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई 170 के बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट है मेरे पास 190। मतलब कहने का कि यहां पे 50 के बाद मुझे लार्जर डायरेक्शन में मूव करना है और उस डायरेक्शन में मूव करते टाइम जितनी भी रिक्वेस्ट आई हुई है उन सारी रिक्वेस्ट को आप हैंडल कर लो। मतलब जितनी भी रिक्वेस्ट कौन सी थी, 82, 140, 170, 190, ये सारी रिक्वेस्ट जो है वो मैं हैंडल कर चुका हूं। मतलब इन रिक्वेस्ट को मैं सर्विस कर दूंगा। लेकिन ये जो स्कैन एल्गोरिदम है, ये एलिवेटर एल्गोरिदम इसीलिए बोल रहे हैं इसको, ये 190 तक नहीं जाएगा, ये 199 तक जाएगा। मतलब जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो उस डायरेक्शन के बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक मूव करना है। अगर आपको इन केस क्वेश्चन में दिया होता कि आपको 50 से लोअर वैल्यू की तरफ मूव करना है तो आप 50 से कहां जाते, 50 से आप 43 के बाद 24 के बाद 16 और 16 के बाद 0 तक, बिल्कुल लास्ट वैल्यू तक जो है वो ट्रैक नंबर तक आपको जाना है। तो यहां पे क्वेश्चन में जो है वो गिवन है लार्जर वैल्यू, तो अब हम पहले लार्जर वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो 199 तक गए। अब 199 तक, 50 से 199 जितनी भी वैल्यूज है उन सारों को हमने कवर कर दिया। लेकिन 199 के बाद अब हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। अब हम 50 से लेस कौन सी वैल्यू थी, 43। तो मैं 43 को यहां पे कवर कर रहा हूं। 43 के बाद कौन सी वैल्यू है, 24, तो 24 को कवर कर रहा हूं। 24 के बाद कौन सी वैल्यू है, 16, तो 16 को कवर कर रहा हूं। और दूसरा पॉइंट यहां पे वो ध्यान में रखना है कि 16 पे आके रुक जाओ। अब यहां पे आपको 0 पे नहीं जाना। मतलब कहने का कि एलिवेटर का जो काम है, मतलब एक डायरेक्शन में बिल्कुल लास्ट तक गए लेकिन दूसरी डायरेक्शन में बिल्कुल लास्ट तक नहीं जाना, लास्ट रिक्वेस्ट तक जाना है। बिकॉज 16 के बाद मेरी क्यू में कोई रिक्वेस्ट ही नहीं है। इन केस अगर रिक्वेस्ट होती 0 तो आप उसकी तरफ जाते, अदरवाइज जो भी लास्ट रिक्वेस्ट थी दैट इज अ 16, तो मैं यहां पे मूव कर गया, 16 तक चला गया। तो आपको बस सिंपली यहां पे कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए मैंने ऑलरेडी पहले वीडियोस में ही बताया FCFS और SSTF में कि आपको एक एक करके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो एक एक करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब 82 माइनस 50, 140 माइनस 82, 170 माइनस दिस एंड दिस। बट बेस्ट क्या है, कैलकुलेशन को इजी करो, 199 माइनस 50 एक बार में ही निकाल लो, 199 माइनस 50 एंड प्लस 199 माइनस 16, ये वैल्यू जो है आप डायरेक्ट ही निकाल लो इसको। अगर आप इसको सॉल्व करोगे आंसर जो है वो आपका 332 आएगा। और अगर इसी क्वेश्चन को अगर दिया होता कि आपकी डायरेक्शन जो है वो लोअर वैल्यू की तरफ है तो 50 से आप 24, 16, 0 तक जाना पड़ेगा। 0 के बाद आप गए, अब आपकी रास्ते में जो भी रिक्वेस्ट है 82, 140, नेक्स्ट जो थी वो 140 है, 140 के बाद आपकी 170 है, 170 के बाद रिक्वेस्ट जो है वो 190 है। लेकिन अब ध्यान रखना
कि आपको 199 तक नहीं जाना, लास्ट वैल्यू जो थी, लास्ट रिक्वेस्ट जो थी, वहां तक जाना। लेकिन जिस डायरेक्शन में आपने स्टार्ट किया है उस डायरेक्शन में बिल्कुल लास्ट वैल्यू तक आपको मूव करना पड़ेगा। दैट इज हाउ द स्कैन एल्गोरिदम वर्क्स। मतलब यहां पे कहीं ना कहीं डाउट आता है कि यार जब लास्ट रिक्वेस्ट तो 190 है तो मैं 199 तक क्यों मूव कर रहा हूं, क्योंकि ये एलिवेटर की तरह काम कर रही है। ऑल दो लेट्स से कि अगर मेरे पास 10 फ्लोर है एक बिल्डिंग में, तो हो सकता है कि लास्ट रिक्वेस्ट जो है वो 9th फ्लोर तक है, लेकिन वो 10 फ्लोर तक क्यों जा रही है? हो सकता है कि रन टाइम पे कोई रिक्वेस्ट आ जाए डायनेमिकली कि मेरे को भी किसी और, कोई और बंदा जो है वो 10th फ्लोर पे उसने बटन को प्रेस कर दिया रन टाइम पे। अगर मैं यहां पे रिक्वेस्ट की बात करूं, ये तो रिक्वेस्ट स्टैटिक है, तो स्टैटिक में तो ठीक है 199 तक ना भी जाए तब भी अच्छा है, लेकिन डायनेमिकली अगर इसको चलाया जाए रियल लाइफ में, हो सकता है कि जब आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो 190 के बाद, लेट से कि अगर इन केस रिक्वेस्ट आ गई 199 तक की, तो आपको वो बेस्ट है कि आप पहले ही 199 तक मूव कर जाओ ताकि आपको जो है वो एडवांटेज मिल जाए। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो उसमें लास्ट तक गए, उसके बाद आपने डायरेक्शन चेंज कर दी। एक बार अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी और इन केस अब अगर रिक्वेस्ट आ गई डायनेमिकली, अगर अब रिक्वेस्ट आ गई कि रिक्वेस्ट है लेट्स से 195, तो अब आप 195 पे अभी नहीं जा सकते, क्योंकि एक बार जब आपने डायरेक्शन चेंज कर ली आपको यहां पे बिल्कुल लास्ट तक आना पड़ेगा, इसके बाद अगेन आपको फिर 195 पे जाना पड़ेगा। मतलब यहां पे अगर मैं स्टैटिक लेके चल रहा हूं केस, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एग्जाम्स में स्टैटिक ही आएगा, तो उस केस में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सिंपली इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हो इस मेथड से। लेकिन अगर डायनेमिकली बात करें तो यहां पे जो प्रॉब्लम है वो स्टारवेशन की प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए आप चाहे इसको स्टारवेशन को ना भी याद रखो, सिंपल कि हम स्कैन से कैसे नंबर ऑफ ट्रैक्स जो है वो निकालते, कैसे नंबर ऑफ रीड राइट मूवमेंट्स निकालते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और एक यहां पे एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है कि इफ रीड राइट हेड टेक्स 1 नैनोसेकंड टू मूव फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक, देन व्हाट इज द टोटल टाइम। मतलब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाने का जो टाइम है वो 1 नैनोसेकंड है, तो स्कैन एल्गोरिथम कितना टाइम ले रही है टोटल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने निकाल लिए कि 332 मूवमेंट्स जो है वो कर रहे हैं, मतलब रीड राइट हेड जो टोटल मूवमेंट्स कितनी कर रहा है 332, इन सारी रिक्वेस्ट को सर्विस करने के लिए, कवर करने के लिए। तो ऑब्वियसली 332 into 1 नैनोसेकंड, दैट इज 332 नैनोसेकंड, जो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये ऐसे क्वेश्चन कई बार एक्सटेंशन में पूछ लेते हैं, और ये सेम क्वेश्चन आप SSTF और FCFS में भी जो है वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कैन एल्गोरिथम। थैंक यू।